अस्सलामुअलैकुम खान साहब, किचन में आपका इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंबाड़े की चटनी। ये चने की दाल की बनाने जा रहे हैं। ये चने की दाल है, ये 3 टेबलस्पून घुल है। इसको भिगा के 2-3 घंटे रख लेना, भिग के ऐसी हो जाती। ये अंबाड़े की भाजी है, ये 8-10 कट्टे अपन इसको तोड़ लेना। ये टमाटे हैं, कोथमीर, करी पत्ता, हरी मिर्ची, और ये गोश्त है। ये अपन ये गोश्त का हरी मिर्ची का गोश्त बना रहे, कुटा हुआ काले हरी मिर्ची का गोश्त। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि सब पीस लेके कर लेके अपन बनाना शुरू कर रहे हैं। ये दाल को पहले गला लेना, पानी डाल के एक प्याली एक कप ये इससे आधा आधा कटोरी पानी लेके इसको गला लेना। गलाए बाद इसमें फिर अंबा टमाटे कोथमीर अपन एक वो दाल गल गई अपनी। अब इसमें भाजी डालना, भाजी डाल लिए बनने से हरी मिर्ची टमाटे कोथमीर। अदरक लहसुन आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। हरी मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, तो घर लाल मिर्ची डाले तो अच्छी होती है। हाँ, 1 चम्मच नमक उसको डाल के उसको 2-3-4 सीटी दे देके ये गला लिए बाद में फिर इसको घोट के बगा लें। भाजी गल गई, ये दाल गल गई, इसको घोट के बगाड़ देना। घोटे बाद में से फिर आपको बताएंगे बगारे बाद। अंबाड़े की चटनी अपन बगा रही है। ये लाल सूखे मिर्चिया, लहसुन 1 टेबल स्पून फुल, जीरा 1 टेबल स्पून, राया थोड़ा, करिया पत्ता 1 टेबल, ये तेल है 3 टेबल स्पून फुल ऑयल। नहीं छे ये बताया था नहीं लिए। चले बगाड़ में बगा लो, अंबाड़े की चटनी की है। चलिए अंबाड़े की चटनी बनके तैयार है। ये इसको बगा लिए अपन। तेल अच्छा डालना चटनी में, अच्छी मदे की होती चटनी। अब चलो अंबाड़े की चटनी बन गई। अब गोश्त हरी मिर्ची कोथमीर लहसुन डाल के पीस लिए ये गोश्त को, ये अच्छा। अब उसमें अदरक लहसुन मिर्ची मिला के रखना। हरी मिर्ची आपके हिसाब से मिला लेना, मैं हरी मिर्ची थोड़ी मिलाई, हरी मिर्ची बता तो ज़्यादा मिला सकते। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून या इसको मिला के अच्छा 1/2 घंटा रख के फिर उसके बाद इसको तेल गर्म करके डालना। अदरक लहसुन फिर लाल मिर्ची कम डालना, इसमें हरी मिर्ची रहती है ना, लाल मिर्ची कम डालना 2 टेबल स्पून हर लाल मिर्ची। नमक 1 टेबल स्पून, नमक, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, पूरा मिक्स करके 1/2 घंटा इसको अच्छा रख के फिर अच्छा तेल गरम करके इसको डालना। डाल के अच्छा नीचे ऊपर करके फिर 5-6 सीटियाँ दे तो अच्छा कबाब के जैसा हो जाता है। अच्छा हरी मिर्ची का कुटा हुआ तला हुआ गोश्त कल आपको पूरा करके बताएंगे जब तले। चलो अपन अब ये गोश्त फ्राई कर रही है, कुटा हुआ हरी मिर्ची का गोश्त 4 टेबल स्पून फुल ऑयल डाल रहे हैं। चलो अपन ये गोश्त को पूरा हरी मिर्ची लहसुन कोथमीर पीस के मिला लिए, सब मसाले अपन 1/2 घंटा 1 घंटा रख दिया। अपन एक गोश्त को फ्राई कर रहे, तेल गरम कर लेके इसको डाल देना अच्छा नीचे ऊपर करके फिर 6-7 सीटी दे दिए तो ये अच्छा गल जाता है। करके तेल में उसके बाद इसको सीटी दे दिए तो अच्छा लगता है।
मन कर रहा है। चलो कबाब बनकर तैयार है, इसको डिश आउट करके बताओ। चलो हमारे अंबाड़े की चटनी, ये हरी मिर्ची का गोश्त डाल के तैयार है। पसंद है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। उठा परसों जाओ।